तो आत्म कारक का जो सोल पर्पस है उसको पूरा करना, उसके लिए आगे बढ़ना, उसका झंडा उठाना, उसके लिए सारे कर्म करना, ये काम कराएगा अमात्य कारक ग्रह। तो अमात्य कारक ग्रह जो भी है आपके प्लैनेट में, आपके कुंडली में, वो सेकंड हाईएस्ट जो डिग्री वाले हैं वो अमात्य कारक ग्रह हैं। तो उस कर्म के जरिए आप अपने आत्म कारक जो लक्ष्य हैं उसको आप पूरा करेंगे। तो आज आपको ये जानकारी मिली, बहुत जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में इन बातों की चर्चा की गई है, ज्यादातर यहाँ भृगु प्राशर इन सब ज्योतिष की बात ज्यादातर लोग यहाँ करते हैं, जेमिनी की बात बहुत कम मैंने देखी है, ताकि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, बहुत सारे बुक्स भी पढ़े हैं उसमें इसकी बहुत कम चर्चा होती है। तो हमें लगता है कि आत्म कारक और अमात्य कारक ग्रह आप भी देखेंगे, अपनी कुंडली में जाएंगे और पता करेंगे कि ये दोनों ग्रह आपके कौन हैं और आप जीवन में क्या करने के लिए आए हैं, और उस जीवन में आप जो करने के लिए आए हैं उसमें सबसे ज्यादा बड़ा योगदान यानी अमात्य कारक ग्रह जो सबसे ज्यादा योगदान देगा वो कौन होगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही।